नमस्कार, हिंदी खबर डिजिटल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ शिवानी पांडे। वक्त है आज की देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का, तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने परिवार के साथ दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कहा इन आंसुओं ने ही मुझे ताकत दी है। मुझे उम्मीद थी कि 7 से 8 महीने में न्याय मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 17 महीने लग गए, लेकिन जीत ईमानदारी और सच्चाई की हुई। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मनीष सिसोदिया को 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसके बाद वो शाम को जेल से रिहा हुए थे। ओलंपिक खेलों में भारत का परचम लहराने वाले शूटर मनु भाकर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। इसकी जानकारी हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की बेटी मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक जीता है, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के वायनाड दौरे पर गए, जहां उन्होंने सेना के हेलीकॉप्टर में भूस्खलन से तबाह हुए क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। चूरनमाला मुंडकई और पंचीरी मटटम बस्तियों का जायजा लिया। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने पीएम को स्थिति से अवगत करवाया। वायनाड में लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एससी एसटी की रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लागू करने से इंकार कर दिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान में क्रीमी लेयर के लिए कोई प्रावधान नहीं है। बता दें कि क्रीमी लेयर का मतलब एससी एसटी समुदाय के उन लोगों और परिवारों से है जो उच्च आय वर्ग में आते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद गस्सान मोमून से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग के साथ साथ समुद्री सुरक्षा के लिए संयुक्त पहल पर चर्चा हुई, जिसकी तस्वीर विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की, जिसमें लिखा रक्षा मंत्री मोहम्मद गस्सान मोमून के साथ एक अच्छी बैठक। विदेश मंत्री 9 अगस्त को 3 दिवसीय यात्रा पर मालदीव गए हुए। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय मेंस हॉकी टीम सुबह देश लौटी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारतीय टीम का जोरदार स्वागत हुआ। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की और बधाई दी, कहा पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अमन सहरावत ने पुरुषों की 57 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। उन्होंने प्यूर्टो रिको के डारियन क्रूज को 13-5 के बड़े अंतर से हराया। ये भारत का पेरिस ओलंपिक्स 2024 में 6th मेडल है। भारत अब तक 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि भारत में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। एक साल पहले अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन तक के आरोप लगाने के बाद अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह बात लिखी है। इस पोस्ट के जरिए हिंडनबर्ग ने किसी नए खुलासे के बारे में संकेत दिया है, हालांकि उसने किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिया है। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने ढाका में सुप्रीम कोर्ट परिसर को घेर लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित अन्य जजों के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों के इस प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन ने पद से इस्तीफा दे दिया। ब्राजील के साओ पाउलो राज्य के बिनहेडो शहर में एक प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें 62 लोग सवार थे, जिसमें से 58 यात्री और चालक चल के 4 सदस्य सवार थे। सभी यात्रियों की हादसे में मौत हो गई। प्लेन 17,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, सिर्फ 1 मिनट में यह नीचे गिरा और इसमें आग लग गई। फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हिंदी खबर डिजिटल।